गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश ग्रामर क्लास. ओके, लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ा था, आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे. इंग्लिश ग्रामर का आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था. चैप्टर फर्स्ट था आपका सेंटेंस, वर्ड्स, फ्रेज. ओके, हमने पढ़ा था ना वर्ड्स क्या होते हैं, फिर वर्ड्स से मिलकर फ्रेज बनते हैं, फिर फ्रेज से मिलकर सेंटेंस बनते हैं. ओके, फ्रेज कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, लेकिन सेंटेंस क्या होता है, एक फुल कंप्लीट मीनिंग देने वाला वाक्य होता है. ओके, तो आज आपका चैप्टर टू है. द नेम ऑफ द चैप्टर टू इज ऑन पेज नंबर 6, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, वाक्यों के प्रकार. हमने जो सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच इज गिव कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग, तो वो क्या होता है, सेंटेंस होता है. अब ये जो सेंटेंस होते हैं ना, वाक्य होते हैं, वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. हम हर वाक्य को एक जैसा तो नहीं बोलते ना बेटा. सबकी बोलने की जो टोन है, या पूछने का जो तरीका है, या आंसर देने का जो तरीका है, हर सेंटेंस का अलग होता है. तो उसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो वही हमको आज इस चैप्टर में पढ़ना है. ओके, देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. तो आपको अभी, वैसे तो और भी इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 4 डिफरेंट काइंड्स दिए हुए, 4 अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं. ओके, देखो कितना अच्छा डायग्राम दिया हुआ है. एक यहाँ पर स्टेम, ये है सेंटेंस लिखा है, और सेंटेंस की क्या बना दी है, लीव्स बना दी है. तो फर्स्ट वाली लीफ है असर्टिव, मतलब सिंपल सेंटेंस. ओके, असर्टिव मतलब क्या होगा, सिंपल सेंटेंस. सेकंड है आपका इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव मतलब होता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, सामने वाले से क्या पूछते हैं, क्वेश्चन. एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मतलब हम जब किसी सेंटेंस को सुनकर हम बहुत आश्चर्य में हो जाते हैं, या तो हमको खुशी होती है या हमको दुख होता है. नंबर 4 है बेटा आपका इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस में होता है आदेश देना, किसी को ऑर्डर देना. ठीक है, अब हम वन बाय वन सारे जो सेंटेंस है वो डिस्कस करेंगे. आपकी बुक में फर्स्ट जो दिया है वो है असर्टिव सेंटेंस. ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो, एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट. ठीक है, एक जो सिंपल स्टेटमेंट होता है, एक सिंपल जो वाक्य होता है, वह क्या बनाता है, असर्टिव सेंटेंस होता है. इट कैन बी ऑफ टू काइंड्स. अब इसके भी टू टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, देन सेकेंड नेगेटिव होता है. अफर्मेटिव मतलब जिसको हम राइट वे में बोलते हैं, ठीक है, और नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं, नहीं का यूज़ करते, नकारात्मक. ठीक है, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द नहीं आता है, और नेगेटिव, नेगेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, जिसमें नहीं शब्द आएगा. तो अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जैसे अफर्मेटिव दिया है, उसी का आपको नेगेटिव भी दिया है, तो सकारात्मक क्या होगा और नकारात्मक क्या होगा. अफर्मेटिव, शी इज लेट, है ना, वह लेट है. ठीक है, वह देरी से आई है, लेट हो गई है वो. एंड शी इजंट लेट, वह लेट नहीं है, यहाँ पर नहीं आ रहा, इसलिए ये नेगेटिव हो गया. द सन हैज़ राइजन, ठीक है, सूर्य उग चुका है. द सन हैज़ नॉट राइजन, सूर्य नहीं उगा है. तो उगना और नहीं उगना, अगर उगा है तो अफर्मेटिव हो गया है, और नहीं जब हम उसमें नॉट लगा दिया है तो वो नेगेटिव हो गया. इसे मीशा रन फास्ट, मीशा तेज दौड़ती है, मीशा डिडंट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ती है, मीशा तेज नहीं दौड़ती है. ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है. ही डज नॉट लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में नहीं रहता है. अनु कैन स्पीक इंग्लिश, अनु जो है वो इंग्लिश बोल सकती है. अनु कांट स्पीक इंग्लिश, अनु इंग्लिश नहीं बोल सकती है. मतलब जब हम किसी सेंटेंस को पॉजिटिव वे में बोलेंगे, सकारात्मक में बोलेंगे, तो वो अफर्मेटिव होगा, और अगर हम उसमें नहीं लगा के बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट है, असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ यहाँ पर. देन सेकेंड है आपका इंटरोगेटिव. एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन. ठीक है, मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया जब भी बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछेंगे.
सच अ सेंटेंस एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, जब भी वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, क्वेश्चन कहलाएगा। फर्स्ट है, आप एग्जाम्पल देखो तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, वॉट इज योर फादर, ठीक है, आपके पापा क्या है, मतलब क्या करते हैं आपके पापा, उसके पूछने का मतलब क्या है कि आपके पापा क्या है, क्या काम करते हैं, तो उसने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव। और लास्ट में देखो यहाँ पर आपको सभी के पीछे क्वेश्चन मार्क दिखेगा, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, है ना, देखो वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, वेयर आर यू गोइंग, है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, डिड नाम्या सिंग अ सॉन्ग, क्या नाम्या गाना गाती है, ठीक है, डिड नाम्या सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, क्या नाम्या गाना, एक गाना गाती है, तो ये सब क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए, तो जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। द नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी में मैंने आपको बोला था कि जब हमको क्या होती है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना, कोई सी भी मतलब बहुत अंदर से कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, कैसी फीलिंग, सच एज प्लेजर मतलब खुशी, एंगर गुस्सा, सरप्राइज मतलब जब आप कोई चीज़ अचानक से देखते हो और आपको उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता है, फिर भी वो चीज़ आपके सामने होती है तो वो क्या होता है, आपके लिए सरप्राइज हो जाता है, सरप्राइज तो सबने सुना होगा, ओके, एक्सेट्रा, तो मतलब जो भी हमारे अंदर से फीलिंग आती है, चाहे गुस्से की आए, खुशी की आए या सरप्राइज की आए, तो वो सारे सेंटेंस क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी होंगे। सच अ सेंटेंस एंड्स विथ अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इनके लास्ट में देखो ये एक साइन बना है बेटा, ये लगा होता है, इसको बोला जाता है एक्सक्लेमेशन, क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेशन। व्हाट अ शेम, ठीक है, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, हाउ वंडरफुल, कितना सुंदर है, जब कोई चीज़ हम जैसे ये फ्लावर को देखकर इसके एक्सप्रेशन बता रही है कि हाउ वंडरफुल, कितना सुंदर है, हाउ फुलिश ही इज, यह कितना मूर्ख है, हाउ फुलिश ही इज, वह कितना मूर्ख है, ओके, व्हाट अ लवली फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, व्हाट अ लवली फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, मतलब कि कोई भी चीज़ आश्चर्य से बोलना, चाहे फिर आप वो गुस्से में बोल रहे हो, खुशी में बोल रहे हो, या फिर आश्चर्य में बोल रहे हो, तो वो जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। नाउ लास्ट फोर्थ इज इम्परेटिव, इम्परेटिव का मैंने आपको बताया था ऑर्डर देना, कमांड देना, किसी को काम बताना, ठीक है, आदेश देना, एंड इम्परेटिव सेंटेंस इज अ कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट, तो इसमें तीनों आएगी, आप किसी को ऑर्डर भी दे सकते हो, किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, और किसी को एडवाइस मतलब सलाह भी दे सकते हो। जैसे फर्स्ट है शट दी डोर, ठीक है, दरवाजा बंद करो, हमने किसी को ऑर्डर दिया, शट दी डोर। हेल्प द पुअर, यहाँ पर हमने एडवाइस दी है, गरीबों की मदद करना, हेल्प दी पुअर। नेवर टेल अ लाई, है ना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, तो ये भी क्या है, एक एडवाइस है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। प्लीज़ गिव मी अ वाटर, अब यहाँ प्लीज़ लग गया है, तो अगर गिव मी अ वाटर होता तो क्या होता, ऑर्डर कि मुझे पानी दो, बट वो कैसे बोल रहा है, प्लीज़ गिव मी अ वाटर, ठीक है, तो वो क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई कि प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दो, प्लीज़ गिव मी वाटर, ओके। तो इम्परेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा, तो आज हमने फोर टाइप्स के सेंटेंस पढ़े, पीछे आपको एक्सरसाइज दी है, कम ऑन पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर बेटा आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्परेटिव, आपको यहाँ पर 1 to 12 सेंटेंस दिए हैं, यहाँ पर आपको उनके टाइप्स बताने हैं। जैसे फर्स्ट है पॉलिश योर शूज़, तो उसको आदेश दे रहा है ना कि पॉलिश योर शूज, अपने जो जूते हैं उनको क्या करो, पॉलिश करो, तो ये क्या होगा, इम्परेटिव। सी सैंग अ सॉन्ग, ये क्या एक सिंपल सेंटेंस है, वह गाना गाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असर्टिव। फिनिश योर होमवर्क, ये ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम्हारा होमवर्क क्या करो, फिनिश करो, ख़त्म करो, तो क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। तो ऐसे ही आपको ये सेंटेंस रीड करना है, एंड 1 to 12 आपको ये अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, आपको इधर आंसर लिखना है, ओके।
और जो सेंटेंस के टाइप्स हैं उनकी स्पेलिंग्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपको सिर्फ सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आप पीछे आंसर की से अपने जो आंसर्स है वो क्या करेंगे, चेक करेंगे। थैंक यू।